दहेज ना देने पर एक बेटी ने गंवाई अपनी जान। एक घटना सामने आ रही है जिसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। घटना धेमोमेन कोलियरी की है, जहां दहेज के कारण एक बेटी को जलाकर मार डालने का आरोप ससुराल वालों पर लगा। कंचन नोनिया को बुधवार के दिन दोपहर में दहेज लोभी पति सुधीर नोनिया, सास मैना देवी, ससुर गुलाब नोनिया, दामाद अर्जुन नोनिया ने जलाकर घर में ही मार डाला। घटना तब प्रकाश में आई जब घर से ही वीडियो के वायरल होने के बाद विकराल रूप लिया। घर के अगल बगल में जब मांस के जलने की बदबू के साथ दुर्गंध निकलने लगी तो पड़ोसियों ने पूछा क्या जल रहा है। अगल बगल वाले लोगों का कहना था कि जब जलने की गंध आ रही थी तो पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि वे घर में खस्सी का चमड़ा भून रहे हैं। हालांकि घटना की खबर मिलते ही आसपास पड़ोस के लोग घटना की खबर पुलिस को दी, जहां आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले में चारों आरोपी सास ससुर पति और दामाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं सबको अपने कब्जे में लिया। मृतक कंचन जामुड़िया की निघा की रहने वाली है और उनका विवाह वर्ष 2015 में हुआ था। मृतक कंचन की घरवाले ने मौके पर पहुंचे और पूरी कहानी बताते हुए कहा कि शादी में 3 लाख रुपया दिया था, जहां 20,000 रुपए बाकी थे। 20,000 की मांग को लेकर लगातार कंचन पर अत्याचार किया जा रहा था। आखिर में दहेज के लालची लोग घर में जलाकर मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, पश्चिम बर्धवान। मेरा लड़की जानता है सर, 3 लाख रुपये में हमारा बाप, हमारा भाई गरीब है, गरीब है हमारा भाई, समझा। मेरे बाप को रिजल्ट मिला नहीं, किसको 35 लाख देकर शादी कैसी, 20,000 रुपया कहता मैं, बोला कि सर ब्लेजर लेंगे, गरीब आदमी 20,000 का ब्लेजर कहाँ से लेगा, हाजरी में खटता मेरा भाई, जैसे मैं 20,000 रुपया में है कपड़ा लिया, 20,000 के भागलपुरी में शादी किए, 500 खाएगा वो दिए, ये दिया फूफा के, नहीं फूफा दिया 500 के खचड़ा, चंदा करके शादी किए। 1 साल पहले हम घर गए, इसको बोला बच्चा छीन लेता रहा, जब वहाँ जाता रहा कभी आना जाना नहीं करने देता रहा, 20,000 रुपया चलते तो यहाँ हम पहुँचा गए। लड़की बोला हम बच्चा बिना नहीं रहेंगे दीदी, हुआ दीदी बोलता है, बोलता हमको पहुँचा दो, हम पहुँचा दिए सर, बोला लड़की ये सब हमको मार देंगे, पहले आए रहे ना जेल में, बच्चा हुआ ना ना उसको आधार कार्ड बनाया, ना वोटर कार्ड बनाया, उसको कैद करके रख लिया, और जनता बच्चा हूँ 4 महीना से, 4 महीने कुंजारी हो रहा है, नहीं दिखाया, फूल शरीर गिर गया सब, लड़की दिमाग थोड़ा अस्सी हो गया, कुछ उल्टा पुलटा बोलने लगा, हम सब बोला ले जाने, सुधीर बोलता नहीं ले जाने देंगे, बच्चा नहीं देंगे जाने, तो लड़की बोलता है बच्चा नहीं रह जाएगा ना तो हम नहीं जाएंगे नहरा। उसके बाद लास्ट में जला कर दिन में मौत होगा, अपने घर में परिवार दिन में मौत होता है। आप कौन है? हम पुआ है, पुआ हम सब चंदा करके इसको शादी किए, सब घर वाले किसका, लड़की पुआ है, लड़की का पुआ है, सब यही थी। शादी कब हुआ था? शादी कब हुआ बता दो, 5-6 साल हो गया, 15 में, कभी आना जाना नहीं, कभी आना जाना नहीं, कभी नहीं होता रहा, 2016 গৃহবধূ মারা গেছে, তো কিভাবে মারা গেছে কি খবর পেয়েছিলেন আপনারা? এটা মানে দহেজ যোজনে, দহেজ যোজনে টাকা খুঁজছে, বারবার টাকা খুঁজে, কোথায় দিব টাকা, এবার তারা তো টাকা মারিছে, 50,000 দিল, তারপর দিল, তারপর কি ধরেছে টাকাটা, কি হয়েছে, কি করে মরল, এবার বেঁধে মেরেছে, দুয়ারে খোটা দিয়ে বেঁধে মেরেছে। তো আপনারা গন্ধ পেয়েছিলেন? হ্যাঁ গন্ধ পেয়েছে। আপনারা পুলিশে খবর দিয়েছেন? হ্যাঁ সব খবর দিয়েছে। কি নাম আপনার? আমার লোকনুনিয়া ভাই। কি হয়েছিল, আপনি যখন এলেন তখন কি দেখলেন? हम जब आए देखे, हम बोले कि मेरा बहन को देखने दो, देखने नहीं दे रहा था, हम जबरदस्ती अंदर गए, तब ये सब हुआ। क्या किया आपका साथ? क्या किया, नोच दिया नाखून, नाखून से पूरा नोच था, मारा पूरा, मारा इधर उधर। पुलिस को आप लोग इन्फॉर्म किए? पुलिस तो यहीं पे था, पुलिस यहीं पे, पुलिस कुछ नहीं कर रहा, पुलिस डायरेक्ट उन लोग का सपोर्ट कर रहा, मेरा बहन यहाँ जल गया है, लेकिन फिर भी पुलिस वही लोग का सपोर्ट कर रहा। क्या नाम हो आपका? केशव नोनिया।